बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो विच असी करांगे जमात 8वीं विषय साइंस द लैसन 11वां। पाठ दा नाम है फोर्स एंड प्रेशर, भाव कि बल अते दाब। सो आओ चलते हैं हुण इस दे प्रश्न उत्तरां ते। प्रश्न पहला, किसी वस्तु उत्ते एक ही दिशा विच लगाए गए बल डैश जांदे हन, घट जाते हैं, वंडे जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जां कोई नहीं। सो इस दे विच सही उत्तर है जुड़ जाते हैं। तो तीसरी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न, विराम अवस्था विच पई वस्तु की चाल डैश होएगी, यानी कि जिहड़ी चीज़ विराम अवस्था विच है उहदी चाल की होएगी, अनंत होएगी, सिफर होएगी, बहुत ज़्यादा होएगी जां बहुत घट होएगी। सो इसका उत्तर होएगा उसकी चाल सिफर होएगी, भाव कि उसकी कोई चाल नहीं होएगी। अगला प्रश्न, एक चार्जित वस्तु द्वारा दूजी चार्जित वस्तु उत्ते लग्या बल डैश अखवांदा है, चुंबकी बल, स्थिर बिजली बल, गुरुत्वी बल जां पेशी बल। सो इसका उत्तर होएगा स्थिर बिजली बल, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। सो हुण चलते हैं अगले प्रश्न ते। किसी गुब्बारे दे हवा भरन ते वह फुल क्यों जाता है? क्योंकि गुब्बारे अंदर हवा हल्की हो जाती है, क्योंकि गुब्बारे अंदर हवा भारी हो जाती है, क्योंकि हवा बर्तन दीआं दीवारां ते दबाव पाउंदी है, जाए सारे ही। सो इसका सही उत्तर होएगा तीसरी ऑप्शन, कि क्योंकि हवा बर्तन दीआं दीवारां ते दबाव पाउंदी है, इस करके गुब्बारा फुल जाता है। सो अगला प्रश्न करते हैं, गेंद जमीन ते चलते हुए रुक क्यों जाती है? गेंद हल्की होण करके, रगड़ बल कारण, गेंद भारी होण करके, जां गुरुत्वाकर्षण बल कारण। सो गेंद जमीन ते चलदी रुक क्यों जाती है? ओ रुक रगड़ बल कारण रुक जाती है। सो दूसरी ऑप्शन इसका उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न, हाथ विच फड़े सिक्के नूं छड्डण ते इह धरती वल डिगणा शुरू कर दिंदा है, सिक्के उत्ते लगे बल नूं डैश कहिंदे ने। सो सिक्के उत्ते लगे बल नूं डैश कहिंदे ने, गुरुत्वी बल कहिंदे ने, पेशी बल कहिंदे ने, चुंबकी बल कहिंदे ने, जां स्थिर बिजली बल कहिंदे ने। इसका उत्तर होएगा गुरुत्वी बल, यानी कि ऑप्शन पहली इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न सातवां, एक छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, यह डैश बल की उदाहरण है, असंपर्क बल की, संपर्क बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की, जां पेशी बल की। सो इसका उत्तर होएगा ए असंपर्क बल की उदाहरण है, भाव कि पहली ऑप्शन इसका उत्तर है। सो अगले प्रश्न ते चलते हैं, प्रश्न आठवां, साढ़े आले दुआले की वायुमंडली दाब कारण असी फिस क्यों जाते हैं? साढ़े आले दुआले के वायुमंडली दाब कारण असी फिस क्यों नहीं जाते? क्योंकि साडा शरीर हड्डियां का बनया है, क्योंकि साडे शरीर के अंदरला दाब वायुमंडली दाब के बराबर है, क्योंकि हवा बहुत हल्की है जो साडे शरीर को कुछ नहीं कर सकती, जां उपरोक्त सारे। सो इसका उत्तर होएगा ऑप्शन दूसरी, कि क्योंकि साडे शरीर के अंदरला दाब वायुमंडली दाब के बराबर है। सो अगला प्रश्न, प्रश्न नौवां, पानी के सप्लाई वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों विचों पानी बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि पानी हमेशा बाहर निकलना चाहता है, पानी नूं बाहर वहना, पानी द्वारा पाइप दीआं दीवारां ते लगाए दाब कारण, जां उपरोक्त सारे। सो इसका उत्तर होएगा
कि पानी की सप्लाई वाले पाइपों के लीक करते जोड़ विच पानी इस करके बाहर निकलता है क्योंकि पानी द्वारा पाइप दियां दीवारां ते लगाए दाब कारण वह उस तो बाहर आ जाता है। सो अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां, बल एक धक्का जां खिच है जो वस्तु की डैश बदलण विच सहायता करता है, स्थिति बदलण विच, दिशा बदलण विच, आकार बदलण विच जां उपरोक्त सारे। इस दा उत्तर होएगा उपरोक्त सारे, यानी कि जिहड़ा बल है वह वस्तु की स्थिति भी बदल सकता है, दिशा भी बदल सकता है अते आकार भी बदल सकता है। सो हुण चलते हाँ अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न है 11वां, पानी की बाल्टी नूं चुकण समय केड़ा बल किरिया करता है, चुंबकी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण जां पेशी बल, दोनों। हम देखते हाँ इन्हां विच उत्तर केड़ा है। सो गुरुत्वाकर्षण बल अते पेशी बल दोनों ही बल क्रियावां करते हैं। सो अगले प्रश्न ते चलते हैं, प्रश्न 12वां, प्रति इकाई खेत्रफल ते लगाया गया बल डैश कहाउंदा है, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, थ्रस्ट, यानी कि घनता, दाब, आयतन जां उछाल। सो इसका उत्तर होएगा उसनू प्रेशर कहिंदे ने, उसनू दाब कहिंदे ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 13वां, चित्र विच दर्शाए अनुसार किस बिंदु ते दाब दा मान सब तो ज्यादा है, ए बिंदु ते, बी बिंदु ते, सी बिंदु ते, जां डी बिंदु ते, भाव कि इन्हां बिंदुओं विचों केड़े बिंदु ते हवा दा पानी दा दाब वध होएगा। तो ऑप्शन से इहदे विच दित्तियां गईआं ने, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कि इन्हां चारां विचों किस ते पानी दा दाब सब तो वध होएगा। सो इसका उत्तर है डी, भाव कि जिहड़ा सब तो अंतला है, सब तो अंतले पॉइंट ते दाब सब तो पानी दा ज़्यादा होएगा। सो अगले प्रश्न ते चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 14वां, दीवारां दी नींह चौड़ी क्यों रखी जाती है, दीवारां दी नींह चौड़ी क्यों रखी जाती है, दीवार दे आधार ते लग रहे दाब वधाउण लई, दीवार दे आधार ते लगे दाब नूं घट करन लई, दीवार नूं सुंदर बनाउण लई, जां उपरोक्त सारे। सो इसका उत्तर होएगा दीवार दे आधार ते लगे दाब नूं घट करन लई, यानी कि दूसरी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हुण चलते हैं अगले प्रश्न ते, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, घरां विच पानी दीआं टैंकियां उचाई ते क्यों रखियां जांदियां हन, घरां विच पानी दीआं टैंकियां उचाई ते क्यों रखियां जांदियां हन, क्योंकि पानी दे कालम दी उचाई वध जांदी है, क्योंकि टूटियां विच पानी वध दाब नाल निकलदा है, क्योंकि दाब पानी दा दाब पानी दे कालम दी उचाई दे सीधे अनुपाती हुंदा है, जां उपरोक्त सारे। सो इहनां विचों उत्तर होएगा क्योंकि पानी दा दाब पानी दे कालम दी उचाई दे सीधे अनुपात विच हुंदा है, भाव कि जिन्नी उचाई वधेगी उन्ना ही पानी दा दाब भी वध जाएगा, यानी कि पानी उन्ने ज़्यादा प्रेशर ना आएगा जिन्नी ज़्यादा उचाई ते टैंकी नूं रखिया जाएगा। सो विद्यार्थियो, ए सी पाठ 11वें दे पहले क्विज़ दा हल। सो जेकर तुसीं ये क्विज़ खुद भी करना चाहुंदे हो तो वीडियो दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इसका लिंक दिता गया है, उत्थे जाके तुसीं इसनूं करके भी देख सकते हो। सो इहो जिहियां वीडियां असीं NMMS दे सैट दी तैयारी लई बना रहे हैं। सो जे तुसीं NMMS दी तैयारी करते रहना चाहुंदे हो तो सारियां वीडियो जरूर देखो, तो प्रश्न उत्तरां नूं भी याद करो, तो इन्हां नूं हल करके भी जरूर देखो। सो इहो जिहियां वीडियो लैके तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी, तद तक लई धन्नवाद, शुक्रिया।